दोस्तों, अगर आप अपने YouTube चैनल का डैशबोर्ड ओपन करना चाहते हो, अगर आपको ये दिक्कत आ रही है, जैसे आपने क्रोम से YouTube ये लिखकर आ गया नीचे, इस तरीके से अगर आप सर्च करते हो तो दोस्तों यहाँ पर कहीं पर आपको YouTube डैशबोर्ड का ऑप्शन नहीं मिलता है। जहाँ पे आपका चैनल खोल लें आप, यहाँ पर YouTube का लोगो मिल जाता है, यही लिखा मिल जाता है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो देख सकते हो, जैसे ही इस पर क्लिक करते हो आप अपने YouTube के एप्लीकेशन में पहुंच जाते हो। अगर इस तरीके से आपको दिक्कत आ रही है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। हाय दोस्तों, मैं हूँ संदीप और स्वागत है आपका टच प्लस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे, अगर आप अपने क्रोम ब्राउजर पे YouTube अपना डैशबोर्ड ओपन करते हो तो देख सकते हो दोस्तों इस तरीके की दिक्कत आ जाती है, तो इसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा ये सब बताऊँगा इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, अगर आप अपने YouTube चैनल का डैशबोर्ड ओपन करते हो और डायरेक्ट आप अपने YouTube पे पहुंच जाते हो, YouTube जो एप्लीकेशन होता है उसमें, तो दोस्तों उसमें एक्चुअली गलती आप कहाँ पे करते हो, दोस्तों मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप क्या गलती कर देते हो। तो डायरेक्ट आप अपने YouTube की एप्लीकेशन पर पहुँच जाते हो और आपका वहाँ पर आपका डैशबोर्ड नहीं ओपन होता है, नहीं कर पाते हो। तो चलिए मैं बताता हूँ, देख सकते हो जैसे मैं आ गया हूँ अपने फ़ोन की स्क्रीन पर। अभी दोस्तों मैं जो अभी करके दिखाया था वो स्क्रीन आपको दिख रही है, और चलिए मैं एक बार बैक कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिए तभी आपके समझ में आएगा। देख सकते हो यहाँ पर मैं सर्च फॉर टाइप वेब एड्रेस में, यहाँ पर मुझे क्या लिखना, मैंने क्या लिखा था, वाई जैसे ही बनाया था तो यहाँ पर लिख के आ गया था youtube.com। तो आपको जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया था, देख सकते हो इस तरीके की ये साइट खुल के आ चुकी थी, ये पेज खुल गया था। अभी दोस्तों इस तरीके की गलती आपको नहीं करना, ऐसे आपको डैशबोर्ड अपना नहीं ओपन करना है। तो दोस्तों मैं बैक करता हूं, अब बताता हूं कैसे आपको अपना YouTube चैनल का डैशबोर्ड ओपन करना है। तो चलिए मैंने बैक कर दिया, तो देख सकते हो सर्च और टाइप वेब एड्रेस, यहां पर दोस्तों क्लिक करके यहाँ पर आपको फुल यूट्यूब लिखना है। जैसे मैं लिखता हूँ yotube.com, दोस्तों इस तरीके से आपको लिखना है, ऐसा नहीं आपको करना है। जैसे ही आप वाई बनाए youtube.com लिखकर आ जाए और उस पर क्लिक कर देंगे तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि आपको वही पेज पे ले जाके रख देता है जाके। अब दोस्तों मैंने अपने हाथों से लिखा है, अब दोस्तों इसको सर्च करेंगे तो देख सकते हो इस तरीके से ये हमारा, देख सकते हो चैनल का लोगो बन के आ गया। अब दोस्तों हमें डायरेक्ट YouTube की एप्लीकेशन में लॉगिन नहीं किया है इसने जाके। अब हम यहाँ से थ्री डॉट पे क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हो साइड में ऊपर कोने में मिल जाते हैं थ्री डॉट, ये यहाँ पे देख सकते हो थ्री डॉट मिल जाते हैं। अब आपको इसी पे क्लिक करना होगा, तो चलिए मैं इस पे क्लिक करके डेस्कटॉप साइड कर लेता हूँ। इस पे करके ये डेस्कटॉप साइड पे जैसे ही कर लेंगे दोस्तों, देख सकते हो डेस्कटॉप साइड पे हमारा ये हो चुका है। अभी नेट स्लो है इसलिए टाइम लग रहा है। देख सकते हो दोस्तों डेस्कटॉप साइड पे हो चुका है। अब ये देख सकते हो मेरा चैनल का जो लोगो है कोने पे मिल रहा है थ्री डॉट के नीचे। तो दोस्तों थ्री डॉट के नीचे ये टच प्लस का लोगो हमारा मिल जाता है। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो आप टच प्लस मैंने लोगो लगा रखा है, ये आपको मिल जाता है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ अपने चैनल के लोगो पे, और ये आपके में जिस तरीके की स्पीड होगी उस तरीके से फटाफट खुलेगा। तो इस पर क्लिक करने के बाद एक नई विंडो ओपन होगी, देख सकते हो इस तरीके की, और यहाँ पे आपको जाना है सेटिंग में, और मैं दिखा देता हूँ सेटिंग का ऑप्शन। देख सकते हो ये वाला सेटिंग का ऑप्शन मिल रहा है, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ एक बार। तो मैंने इस पर जैसे ही क्लिक कर लिया, देख सकते हो इस तरीके का आपके पास विंडो आ जाएगा, और इस विंडो में देख सकते हो यहाँ पर थ्री ऑप्शन मिल रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिल रहे हैं, एक तो मिला है चैनल स्टेटस एंड फ्यूचर्स, और दूसरा है क्रिएट ए न्यू चैनल, और तीसरा है व्यू एडवांटेज सेटिंग। तो दोस्तों यहाँ पर आपको फास्ट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा जिस पे लिखा हुआ है चैनल स्टेटस एंड फ्यूचर्स। तो दोस्तों मैं इस पे क्लिक करता हूँ, आप भी कर लीजिए। देख सकते हो जैसे हमने इस पे क्लिक किया ये थोड़ा रीलोड होगा इस तरीके से।
जिस तरीके का नेट होगा उसी तरीके से आपके पास ये चलेगा, और कम होगा तो कम धीरे खुलेगा, फास्ट चल रहा होगा तो जल्दी खुल जाएगा। तो देख सकते हो दोस्तों हमारा डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों ये एक पेज आ चुका है, तो इसको क्लोज कर देना होगा। यहाँ से मैं दिखा देता हूँ कहाँ से करना होगा, ये क्लोज का ऑप्शन मिल जाता है, देख सकते हो यहाँ से इसको क्लोज कर देना होगा। मैं चलिए क्लोज कर देता हूँ। तो देख सकते हो मेरा पूरा डैशबोर्ड ओपन हो चुका है, और यहाँ से आप देख सकते हो साइड में सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ से आप कुछ भी देख सकते हो। आपका इस तरीके से डैशबोर्ड ओपन होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों अगर आपको डैशबोर्ड ओपन करने में कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत हो रही थी तो दोस्तों इस वीडियो में आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं जब भी ऐसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।